इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का तीसरे क्वेश्चन तक का आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया था। तीसरे में 8 क्वेश्चन था तो वहाँ तक आप लोगों ने देखा था। तो अब चौथा क्वेश्चन है, चौथे में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको आप लोग बारी बारी से देखेंगे, इसमें क्या करना है तो देखते हैं। में दिया फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, जो भी बहुपद ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है पी एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5, तो इसका शून्य निकालना है। हमने पहले जब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताया था तो हमने बताया था कि शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य होता क्या है। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं और उसके बाद शून्य निकालने का मतलब जो इसमें चर दिया होगा उसी का हम लोग मान निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो यहां लिखेंगे पहले शून्य के लिए, अब हमको जब शून्य निकालना तो यहां लिख देंगे शून्य के लिए। क्या जरूरी होता है, होता यह है कि जो बहुपद दिया है पी एफ एक्स, ये बहुपद होता है पी एफ एक्स का, ये बहुपद दिया हुआ है तो हम जो शून्य निकालते हैं तो जो बहुपद दिया है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। जो बहुपद दिया हुआ है पी एफ एक्स इसको 0 के बराबर लिखते हैं शून्य निकालने के लिए। तो अब पी एफ एक्स इक्वल 0 लिख देंगे तो पी एफ एक्स का मान यहाँ क्या है, बहुपद जो है एक्स प्लस 5 है तो पी एफ एक्स के जगह पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 5 और इक्वल क्या है 0। हम लोग जो भी चर, ये जिस चर में बहुपद दिया होगा उसी चर का मान निकाल देंगे, वही शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको एक्स का मान निकालना है, आप लोग पक्षांतर करना इससे पहले वाले क्लास में 8 में पढ़ चुके हैं, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसी को बराबर के एक तरफ रहने देते हैं, उसके अलावा जो भी अंक होगा उसको दूसरे तरफ भेजेंगे। तो ये प्लस 5 को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस 5 होगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स इक्वल, ये प्लस 5 जब इधर आया तो माइनस 5, ये 0 है, 0 को हमने हटा दिया, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो x का जो वैल्यू आ गया माइनस 5, यही क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। लिखेंगे इसलिए शून्य बराबर माइनस 5, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बहुपद दिया होगा उसको 0 के बराबर लिख के और पक्षांतर करके जो चर दिया होगा उसी का मान निकालना, इसी को शून्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5, शून्य निकालना है, हल करते हैं। यहां लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए हम करते क्या है, बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं तो पी एफ एक्स इक्वल 0 लिख लेंगे। अब ये बहुपद का जो यहाँ दिया हुआ है बहुपद तो उसको लिख लेंगे पी एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 यहाँ लिखेंगे बराबर, ये 0 है तो 0 लिखेंगे। पक्षांतर करके हमको x का मान निकालना, तो हम जानते हैं इधर माइनस 5 है उधर जाएगा तो प्लस 5 होगा, तो यहाँ बच जाएगा x इक्वल माइनस 5, इधर आया तो प्लस 5 हो गया, 0 का कोई मतलब यहाँ नहीं होता है, यही हो गया आंसर। x का वैल्यू जो 5 आया यही हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए शून्य बराबर 5, ये आंसर लिख लेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 लिखेंगे 0 के बराबर,
अब क्या करेंगे, जब जीरो के बराबर हमने लिखा तो पी एफ एक्स का वैल्यू है ये जो बहुपद 2x+5 इक्वल हो जाएगा जीरो। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है तो पहले ये वाला संख्या उधर भेजेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x इक्वल ये +5 इधर आया तो -5 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, 2 इधर गुणा कर रहा है इधर आएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ बच जाएगा x इक्वल -5 पहले से, 2 इधर गुणा कर रहा था इधर आया तो भाग किया, तो x का वैल्यू ये निकल गया, यही शून्यक होता है लिखेंगे, इसलिए शून्यक बराबर -5/2 यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। ये क्वेश्चन दिया हुआ पी ऑफ एक्स इक्वल 3x-2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम एक बार जीरो के बराबर लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर लिख देंगे। अब पी ऑफ एक्स का जो ये होता है 3x-2 बहुपद है, तो इसके जवाब 3x-2 इक्वल जीरो। वैल्यू निकालना है x का, पहले -2 उधर भेजेंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा, -2 इधर आया तो +2, अब 3 को भी भेज देंगे इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2/3 ये आंसर हो जाएगा। फाइव क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल 3x, तो इसको सॉल्व करते हैं जब, तो यहां लिखेंगे शून्य के लिए क्या करते हैं, बहुपद को हम जीरो के बराबर लिखते हैं। अब जो बहुपद है ये 3x उसके जगह पर लिख लेंगे, इक्वल हो जाएगा जीरो। हमको x का वैल्यू निकालना, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा तो भाग करेगा डिवाइड करेगा, तो x इक्वल हो जाएगा 0/3। 0 में 3 जब भाग करेंगे तो 0 ही होगा, तो x का वैल्यू 0, मतलब इसलिए शून्य हो गया 0, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिया पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स, तो जहां दिया है ए इज नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब ये होता है कि ये ए जो है जीरो नहीं है, तो देखते हैं इसमें भी लिखेंगे शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए हम जानते हैं कि बहुपद को जीरो के बराबर लिखना है, तो शून्य के लिए हम बहुपद को लिख देंगे जीरो के बराबर। अब जो बहुपद दिया हुआ है वो ए एक्स है, तो बहुपद पी ऑफ एक्स के जगह पर लिखेंगे ए एक्स इक्वल जीरो। इसमें ये ध्यान देंगे जब ए से जेड तक का संख्या आता है तो एक्स वाई जेड को चर और ए बी सी डी जो होता है इसको अचर माना जाता है, ये ए अचर है। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ जो बहुपद दिया होगा वही बहुपद होता है, वही चर होता है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, ए इधर गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो भाग करेगा, यहाँ बच जाएगा एक्स इक्वल 0/a। अब ए से किसी संख्या में, किसी भी संख्या से जीरो में भाग करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो इसलिए लिखेंगे शून्य बराबर जीरो, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया पी ऑफ एक्स इक्वल CX+D, आगे दिया है C इज नॉट इक्वल जीरो,
सी इज नॉट इक्वल जीरो, और दिया है सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी शून्यक निकालना है। पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि इसमें जो चर कौन है, सी और डी अचर होते हैं, ये एक्स यहाँ दिया है तो यही चर है, तो इसी एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ कह रहा है कि सी इज नॉट इक्वल जीरो, ये जो सी है वो जीरो नहीं हो सकता है, और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं, ये जो सी और डी दोनों हैं उसको क्या क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब कुछ भी हो सकती हैं। तो उससे नहीं मतलब आप लोगों को, बस शून्यक निकालना, तो शून्यक के लिए यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए। अब हम लोग जानते हैं शून्य के लिए बहुपद को जीरो के बराबर लिख देते हैं, तो पी एफ एक्स इक्वल जीरो, पी एफ एक्स का जो बहुपद है उसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो। अब देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना, तो पहले प्लस डी को उधर भेजेंगे तो माइनस डी होगा, यहाँ बच जाएगा सी एक्स इक्वल, इधर आया तो माइनस डी, ये जीरो को हटा दिए, जीरो का मतलब कुछ नहीं। अब x का वैल्यू निकालना है, c इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस डी, पहले से जो भाग करता है उसको नीचे लिखते हैं, तो माइनस डी बाई सी, यही हो गया शून्यक। लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर माइनस डी बाई सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों का पूरा हुआ। अब अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही आप लोग डेली पढ़ाई करने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।